फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स इज इक्वल 100। आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये होगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस 100 इज इक्वल 0। बच्चों यहाँ पर 100 है जिसके फैक्टर हो जाएंगे 2, 2, 5 और 5। यहाँ पर 4 है इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 एंड 2। बच्चों इनके आपको दो पेयर ऐसे बनाने हैं कि माइनस करने पर 9 है, तो आप देख सकते हैं अगर सारे 2 एक साथ कर लें तो 16 होगा और 5, 5, 25। देखिए दो पेयर बन गए जिनका डिफरेंस 9 आता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4x² माइनस 25 माइनस 16 एक्स माइनस 100 इज इक्वल 0। बच्चों ब्रैकेट ओपन कर देंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा 4x² माइनस से साइन चेंज होंगे तो 25x माइनस माइनस प्लस का 16x माइनस 100 इज इक्वल 0। यहाँ आपको x कॉमन दिख रहा है, बचेगा 4x माइनस 25, यहाँ भी 4 कॉमन है, बचेगा 4x माइनस 25 इज इक्वल 0। 4x माइनस 25 और बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल 0। बच्चों यहाँ देख सकते हैं आपने जो फैक्टर हैं पता कर लिए हैं, अब यहाँ पे आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हम लोग लेकर चलेंगे। पहली कंडीशन, इफ 4x माइनस 25 इज इक्वल 0, इट इम्प्लाइज दैट 4x इज इक्वल 25 और इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल 25/4। एक आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। बच्चों दूसरे आंसर की तलाश, तो सेकंड ब्रैकेट लेंगे, इफ x प्लस 4 इज इक्वल 0 और इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल माइनस 4। बच्चों यहाँ पर आपको जो आंसर मिला है वो है 25/4 और दूसरा आंसर है माइनस 4। तो ये आंसर मिले आपको 25/4 और माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ये है आपका 15x² और माइनस 28 इज इक्वल x। बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो आप यहां पर लिखेंगे 15x² माइनस x माइनस 28 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर x का टर्म फिर कांस्टेंट टर्म, 28 के फैक्टर होंगे 2, 2 जा 4, 7 जा 28 और यहाँ से 15 के फैक्टर आप लेंगे 3 और 5। बच्चों इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं कि माइनस करने पर 1 आए, तो आप देख सकते हैं 5, 2 जा 10, 2 जा 20 और 7, 3 जा 21। देखिए दो पेयर बन गए जिनका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 15x² माइनस 21 माइनस 20x माइनस 28 इज इक्वल 0। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 15x² माइनस 21x माइनस माइनस प्लस 20x मिलेगा माइनस 28 इज इक्वल 0। बच्चों यहाँ पर कॉमन देख सकते हैं आपको 3x मिल रहा है, 3, 5 जा और 1x माइनस 3, 7 जा। यहाँ पर 4 कॉमन है तो 4, 5 जा 4, 7 जा ये बचेगा। बच्चों यहाँ पर 5x माइनस 7 कॉमन है, बचा 3x प्लस 4 इज इक्वल 0। तो यहाँ पर आपने फैक्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहली कंडीशन, इफ 5x माइनस 7 इज इक्वल 0, इट इम्प्लाइज दैट 5x इज इक्वल 7 और x इज इक्वल 7/5। सेकेंड कंडीशन, इफ 3x प्लस 4 इज इक्वल 0, तो बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा 3x इज इक्वल माइनस 4 और फाइनली x इज इक्वल मिलेगा माइनस 4/3।
जो यहाँ पे आंसर आपको मिला 7/5 और -4/3, ये सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 17 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, 4 - 11x इज इक्वल 3x2, सबको साइड ले जाएं तो आपको मिलेगा 3x2 +11x -4 इज इक्वल 0, ax2 + bx + c इज इक्वल 0, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बच्चों यहाँ पर 4 है जिसको आप 2 × 2 लिख सकते हैं और यहाँ से आपको 3 मिलेगा, तो 2 × 3 के आपको दो पेयर ऐसे बनाने कि माइनस करने पर 11 आए। थ्री टू जै सिक्स टू जै ट्वेल्व और अपने आप से ए 1 ले सकते हैं, 12 - 1 11 आ जाएगा। बच्चों आप लिखेंगे 3x2 +12 - 1x - 4 इज इक्वल 0, तो आपको मिलेगा 3x2 +12x - 1x - 4 इज इक्वल 0। यहाँ से 3x कॉमन दिख रहा है, बचेगा x +3 = 4 = 12, -1 कॉमन लिया तो x +4 इज इक्वल 0 बचेगा। अभी x +4 कॉमन है, बचेगा 3x - 1 इज इक्वल 0। पहली कंडीशन, इफ x +4 इज इक्वल 0, बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल -4। दूसरी कंडीशन, इफ 3x - 1 इज इक्वल 0, तो यहाँ से मिलेगा 3x इज इक्वल 1, तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल 1/3। तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल चुका है। पहला आंसर -4 और 1/3, तो ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, या तो आंसर -4 होगा या फिर 1/3। 48x2 -13x - 1 इज इक्वल 0, क्वेश्चन नंबर 19। ax2 + bx + c इज इक्वल 0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, 1 को आप 1 ही लिख सकते हैं और 48 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 और 6 × 3 = 3, 3 × 9 = 18, 48 लिखना है, तो 3 × 2 = 6 और 2 × 2 × 2, ये फैक्टर होंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 3 × 48। बच्चों इसके दो पेयर ऐसे बनाने हैं कि माइनस करने पर 13 आए, तो ये देखिए सारे 2 एक साथ ले लिए 16 और यहाँ से 3 ले लिए, तो माइनस करने पर 13 आ रहा है, तो आप लिखेंगे 48x2 -16 - 3x - 1 इज इक्वल 0, ब्रैकेट ओपन कर लें, तो 48x2 -16x - 1 + हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने पर -1 इज इक्वल 0। बच्चों यहां से 16x कॉमन ले लिया, 16 × 3 = 0, तो 3x - 1 बचेगा, यहां 1 कॉमन ले लिया तो 3x - 1 रहेगा। पहली कंडीशन नहीं, अभी 3x - 1 कॉमन ले लें तब बचेगा 16x + 1। अब यहाँ पर लेंगे फर्स्ट सिचुएशन, इफ 3x - 1 इज इक्वल 0, बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा 3x इज इक्वल 1 या फिर x इज इक्वल 1/3। इफ 16x + 1 इज इक्वल 0, यहाँ से आपको मिलेगा 16x = -1, तो x इज इक्वल मिलेगा -1/16, तो जो फाइनल आंसर है वो आ रहा है आपका 1/3 और -1/16। क्वेश्चन नंबर 19 का कंप्लीट सॉल्यूशन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, x²(√2x - 6) = 0, देखिए 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 और 3,
बच्चों इसके दो पेयर ऐसे बनाने की टू रूट टू आए। अब देखिए रूट टू यहाँ आपको दिख रहा है, यानी हमें रूट टू की ज़रूरत है। तो इस टू को हम क्या लिख सकते हैं, इस टू को हम रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं। अब इनके दो पेयर ऐसे बनाने की माइनस करने पर टू रूट टू आए, अगर इनको एक साथ ले लें थ्री रूट टू और बचा रूट टू, इनको माइनस करने पर टू रूट टू आता है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर आप लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट टू और रूट टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल ज़ीरो। थ्री टाइम रूट टू में वन टाइम रूट टू माइनस होगा तो टू टाइम रूट टू बचेगा। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर थ्री रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल ज़ीरो। देखिए यहाँ तो कॉमन एक्स दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे आप, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस, बच्चों सिक्स को आप क्या लिख सकते हैं, सिक्स को आप रूट टू थ्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू थ्री इज इक्वल ज़ीरो। ऐसा क्यों लिखा हमने सिक्स को, इसलिए लिखा ताकि यहाँ पर हमें चीज़ें कॉमन मिल जाएं। बच्चों पहले पेयर की बात करोगे तो एक्स कॉमन दिख रहा है, बचेगा एक्स प्लस थ्री रूट टू एक ब्रैकेट में। यहाँ की बात करेंगे तो माइनस रूट टू कॉमन है, बचेगा एक्स और साइन चेंज हो जाएगा, प्लस थ्री रूट टू बचेगा। बच्चों ध्यान दें, अब यहाँ पे ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, एक्स प्लस थ्री रूट टू बचेगा एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल ज़ीरो। पहली कंडीशन यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं, इफ एक्स प्लस थ्री रूट टू इज इक्वल ज़ीरो। बच्चों यहाँ से एक आंसर आपको मिल गया, एक्स इज इक्वल माइनस का थ्री रूट टू। दूसरी कंडीशन इफ एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल ज़ीरो, यहाँ से आपको दूसरा आंसर भी मिल गया, एक्स इज इक्वल रूट टू। तो जो आंसर आए वो आपके क्या हैं, माइनस थ्री रूट टू और रूट टू। ये कंप्लीट सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 20 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन है 21 रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस एट रूट थ्री। इसके फैक्टर आप लिखेंगे 8 2 2 2 रूट थ्री और ये रूट थ्री। कुल मिला के बच्चों आपको मिल गया 2 × 2 × 2 रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री लिख सकते हैं। आपको इनके दो पेयर ऐसे बनाने हैं कि माइनस करने पर 10 आए। तो ये देखिए अगर इन तीनों को ले लेते हैं तो 12 और बचा 2, माइनस करने पर 10 आता है। बच्चों यहाँ लिखेंगे रूट थ्री एक्स स्क्वायर 12 माइनस 2 एक्स माइनस 8 रूट थ्री इज इक्वल ज़ीरो। बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लें, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8 रूट थ्री इज इक्वल ज़ीरो। आप रूट थ्री एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस, देखिए 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 × 6 × 12 और रूट थ्री कॉमन दिखना है तो 2 × 2 × 2 × 4 और 3 को हमने लिख लिया रूट थ्री इंटू रूट थ्री। देखिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 × 6 × 12 ऐसा क्यों लिखा, ताकि हम कॉमन ले लें आसानी से, 2x माइनस 8 रूट थ्री इज इक्वल ज़ीरो। बच्चों यहाँ पर कॉमन आपको दिख रहा है रूट थ्री, एक्स भी रहेगा यहाँ पर और एक्स बचेगा क्या, एक्स प्लस, देखिए रूट थ्री कॉमन ले लिया है तो 2 × 2 = 4 रूट थ्री बचेगा। यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा एक्स प्लस 2 × 4 = 4 रूट थ्री इज इक्वल ज़ीरो। बच्चों यहाँ पर पूरा ब्रैकेट आपको कॉमन दिख रहा है तो इस ब्रैकेट को कॉमन ले लें, यानी एक्स प्लस 4 √3 कॉमन ले लिया, बचेगा रूट थ्री एक्स माइनस 2 इज इक्वल ज़ीरो। बच्चों पहला केस आप लेंगे इफ
एक्स प्लस फोर रूट थ्री इज इक्वल ज़ीरो, तो यहाँ से आंसर आपको मिल गया x इज इक्वल माइनस फोर रूट थ्री। सेकेंड केस, इफ रूट थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल ज़ीरो, बच्चों यहाँ से मिल जाएगा रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू, या x इज इक्वल मिल जाएगा टू अपॉन रूट थ्री। डिसलाइजेशन कर लें यहाँ पर, क्योंकि अपॉन में टर्म रूट का नहीं होना चाहिए, ये मिलेगा टू रूट थ्री अपॉन थ्री। बच्चों यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है, पहला आंसर माइनस फोर रूट थ्री और टू रूट थ्री अपॉन थ्री, ये फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का।